हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। आज खास ये है कि आज सत्यनारायण जी की कथा भी है और हवन भी है। अभी फैमिली के सब लोग उठ चुके हैं, मैं, नेहा, शिवम, उज्ज्वल, हम लोग फिर से टेंट में सोए थे। काफी मजा आया, पर ये है कि सब लोग जब आ जाते तो उठा भी देते, तो जल्दी उठना पड़ता है। कमरे में सोने का ये फायदा है कि अगर आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने, वो मिल जाते हैं। टेंट में वो स्कोप नहीं होता क्योंकि सब लोग ऊपर पहुंच गए थे। सबने कहा कि चलो अब रेडी हो जाओ। और मेरा एक और टास्क है, पूजा से पहले मुझे छोड़ना है शैलजा दीदी को उनके क्लिनिक, क्योंकि आज उनको ऑफ नहीं है। वो शाम को आए थे जस्ट पूरे फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए और जो कीर्तन भजन हुआ उसका पार्ट बनने के लिए। तो अब सब लोग आज ब्रेकफास्ट करेंगे, जो मेल लोग हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि आज हवन में आहुति भी देनी है, तो सबका व्रत है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग, कैसी रही आपकी रात? बहुत बढ़िया। बढ़िया, बैक टू बैक 2 रातें हो गई आपको टेंट में है। हाँ, अब पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा तो इसीलिए। हाँ, हो सकता है आज हमें वाइंड अप करना पड़े क्योंकि हाँ। बहुत जल्द हम लोगों का, सब लोगों का, फैमिली मेंबर्स का एक बहुत बड़ा प्लान है। वो क्या है कल पता चलेगा, तो आप लोगों को बने रहना है। तो आज का व्लॉग भी एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कि आप कल वाले व्लॉग के लिए वेट करें और आज का इग्नोर करें। अच्छा, तो मैंने अगले दूध बना दिया है, बादाम मैं आपको देती हूँ, केले भी दे देती हूँ, आज आपका व्रत होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब धूप भी आने लगी है, तो आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। तो मम्मी पापा तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं। हाँ। तो आप एक काम करो, आप लोग बैठो पूजा में। हाँ। मैं शैलजा दीदी को छोड़ के आता हूँ तब तक। अच्छा, शैलजा तो ड्यूटी जा रही ना आज? हाँ, उन कुछ ऑफ नहीं है और अच्छा। उनके डॉक्टर भी नहीं है तो उनको तो जाना ही पड़ेगा, किसी एक डॉक्टर को तो होना ही पड़ेगा, तो शैलजा दीदी को जाना पड़ेगा। हमने सोचा था कि यहीं पे ही होंगे। लंच तैयार कर दिया? लंच भी तैयार है। अच्छा, हाँ, लंच भी तैयार है। हमें तो टाइम लगेगा ना। मेरे ख्याल से आप तो जल्दी उठ गए आज सुबह ही, है ना? हाँ, उठ गए थे हम लोग ना। हाँ। एक तो हम आजकल लेट सो रहे हैं ना, एक एक दो दो। अच्छा, थोड़ा सही बात है। कैंपिंग है ना आजकल? कैंपिंग, हाँ, कैंपिंग चला है आजकल हमारा दिलैक निवास। मौका नहीं मिलता ना, आप सब अलग अलग हो जाएंगे, फिर मैं और अक्षय रहेंगे यहाँ पे, तो क्या ही करना। हाँ चलो ठीक है, अभी आप ये सबके साथ एंजॉय करो। कल गांव जाना बेटा, क्योंकि रुबीना भी आई है घर। हाँ जी। और इधा और जीवा भी आए हैं। बिल्कुल। और उनके पास जाना है, हमने भी तो फैमिली, हम सब जाएंगे। ठीक, तो है, हम लोग मिले नहीं है, खासकर मैं, नेहा, मम्मी पापा, हम और चाचू चाची सबसे छोटे। हाँ, शैलजा दीदी, हम लोग नहीं मिले, बाकी तो चंडीगढ़ और बॉम्बे में मिल चुके हैं। और मैं और नेहा सबसे बड़े मामू मामी भी होंगे, तो हम पूरे फैमिली मेंबर्स ने कुछ सोचा है, फिर वो क्या है वो अभी नहीं बताएंगे, वो कल ही पता चलेगा। हाँ, कल ही पता चलेगा। तो अभी और सबसे छोटा मामा दिव्यम भी, दिव्यम भी होगा। हाँ, मामा जी, सबसे छोटे मामा जी, सभी हम कल की प्लान कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है। क्या बात है, किचन में क्या बात है, सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं और मिलजुल के क्या बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा, सबसे अरे अरे, वो फिर शैलजा दीदी को छोड़ने जाना पड़ा ना मुझे, रात को ढोलक पीटा था। नहीं, चिमटा और करताड़ी भी पीटी। ये देखो, जा जो ऊपर बुला कर रायता बना रहे, कद्दूकस कर रहे, खीरे। अच्छा, बड़ा डिलीशियस बनाएंगे हम, बड़ा टेस्टी। सही लग रहा है मेरे को। और व्रत भी है ना आज, तो भूख भी बढ़िया लगनी। ज्यादा भूख लगती है। अच्छा, साथ साथ ही है तो ठीक है, आप लोग करो, मैं तब तक देखता हूँ ऊपर क्या चल रहा है। कथा भी शुरू होने वाली है, कथा में आओगे आप लोग? ठीक है, लक्ष्मी मम्मी का एक ही आशीर्वाद है हमारे को शुरू से कि कब जैसे तुम बच्चा करोगे। ये क्या बात होगी, पूजा समाप्त कर दी पूजा, पूजा समाप्त कर दी भैया। सबसे सबसे छोटे चाचू हैं, कितने बजे उठे? अभी 6 बजे सबसे पहले आ गए गाइस, बच्चा पार्टी सबसे पहले मेरे साथ जुल दिया है। चलो अभी क्या है नेक्स्ट, बस शुरू होने वाली है। देखो मैं इतना खुश हूँ आज, तुम्हारे को मैं पैसे दूंगा, ये तेरे हुए सारे ऐश कर यार, इस खुशी में कि आज पूजा है हमारे घर में हिस्सा। हाँ, उज्ज्वल ने पहले बोला था मेरे को मिलेगा,
हमें गाइस क्यों मिल रहा है? हाँ, देवकीनंद शर्मा जी की ओर से हमारे कोई दर्शन आए, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में बहुत मेहनत की है, कल हमने मेहनत बहुत की है ना, हमारा गला बैठ सकता था तब भी, और आज भी हम तैयार है, आज भी खाली तैयार है। हाँ, भजनों की जो है वो रुकी नहीं है, क्या बोलते गति गति नहीं रुकी, हम अभी तक लगे, भैया की कमी थी, अब भैया भी आ गए, बिल्कुल अब गति बढ़ जाएगी ना, गति बढ़ जाएगी, मामू भी आए हुए, अरे वाह, तब तक चल पड़ा है यहाँ पे क्रिकेट मैच, जब तक चाय का वेट कर रहे सब लोग, जब तक चाय आएगी, पंडित जी ने चार्ज संभाल लिया है, ये देखना मैं, ये पंडित जी बोल्ड भी करते हैं, ये देखना मैं, ये वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, के साथ हमारी सत्यनारायण जी की कथा होती है समाप्त। अब चलते हैं हम हवन की तरफ, हवन फिर आरती होगी, फिर उसके बाद फिर व्रत खुलेगा, है ना। तो अभी तैयारी के लिए देखते हैं कि क्या क्या है अपने पास। तो गद्दियां तो है, नीचे बिछाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि गत्ते यूज करेंगे, यहाँ करना पड़ेगा धूप में। आय नमो नमः हरिः ओम गंधम समर्पयामि क्षेत्रपाल देवता के लिए, सारी धर्म समर्पयामि भो क्षेत्रपाल, इस क्षेत्र की हमारे विकास जामरी यज्ञ हो रहा है, इस क्षेत्र में हमारी रक्षा करना, पूरे परिवार की रक्षा करना, टीका चंद्रम शोभार्थे अक्षत सुंदरते पुष्प धूप। पूजा के बाद अब हवन स्टार्ट हो चुका है बाहर, तो घर के जितने भी जेंट्स हैं वो हवन में बैठे हैं। इसी के साथ सब लोग इकट्ठे हो गए पूर्ण आहुति के लिए। चलो आओ जी, लो पंडित जी, इनके ऊपर तो मेरा आशीर्वाद है। ओम जगदे राजकनामय अजंता देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः आद्यासन्ति देवा स्वाहा। कोई काम है नहीं, लास्ट में होगा, तो फिर हम लोग सब नीचे जा रहे हैं, तब तक खाना बनाते हैं, क्योंकि अभी जब लास्ट होता है तो जो भी घर में प्रसाद बना होता है, खाना बना होता है, वो भगवान को चढ़ता है। बस मैं भी सबके साथ जाती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ चपातियाँ बनाने में। पूजा के लिए 5-6 चपातियाँ मैं अपने घर पर ही बना रही हूँ, क्योंकि जो उज्जवल का घर है मतलब वहाँ पे और चीज़ें बन रही है, तो प्रसाद अभी भोग चढ़ने के लिए कम से कम 4-5 चपातियाँ चाहिए होती है, तो मैं कहा मैं यहीं पे फटाफट डाल देती हूँ, क्योंकि पंडित जी को थोड़ी जल्दी है, उन्हें और भी कहीं जाना है, तो बस हम लोगों को जितनी भी लेडीज है सबको फटाफट ऊपर बुला रहे हैं, तो बस मैं फटाफट चपातियाँ डाल देती हूँ भोग के लिए, तो बाद में खाने के लिए तब साथ साथ में ही डालेंगे। वाटरप्रूफ होते है ना, तो बारिश भी आएगी तो अंदर नहीं जाएगा। आपको गर्मी तो नहीं लग रही इसके अंदर? ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बढ़िया मजा आता है, टेम्परेचर ठीक होता है इसका। हाँ, आपने भी जाना है? अरे वाले में घुस जाओ, इस वाले में। हाँ हाँ, सारा खाना हम लोगों ने हॉल में ले आ दिया है, तो सब लोग बनाया भाई, देखो मम्मियों ने, और सर्विंग हम, हाँ पिंकी अम्मी ने हम सिर्फ सर्व कर रहे हैं, तो ये पनीर है, तो क्या दिया जी? चलो चलो लाइन में, चलो चलो, ओ इतने सारे लोग बैठ गए, चलो क्या बात है, तो एक एक करके देते, ठीक है भाई, इसके बाद अपनी शिफ्ट बैठेगी, ठीक है ना, ये जो शिफ्ट में बैठे लोग हैं कुछ लोग हमारी मदद करेंगे। लस्सी तो नहीं चाहिए गाइस? लस्सी, पनीर, चना, राजमा, एनीथिंग? नो, रायता अभी देते हैं। तो आज का दिन पता ही नहीं चला कैसे कैसे बीता, और शाम भी हो चुकी है, शूट का भी कोई आइडिया नहीं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, पर ये है कि मैं और नेहा अभी जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है, और कल हम लोगों को गांव निकलना है, तो उस हिसाब से तैयारी भी करनी है,
तो आज काफी ज्यादा सच में थक गए हैं। सही बात है। देखो अभी बॉल फेंक दिए इन लोगों ने। हाँ भाई क्या हो गया? अक्षय भाई को एक चैलेंज दिया। हाँ क्या? अगर अक्षय भाई यहाँ से नीचे उतर गए। हाँ दो दूसरी भी फेंक दी। दूसरी वापसी में लाता हूँ, रुको। आ गया 5 मिनट में। खेलना हमने अभी था। अभी नहीं हो सकता, माफी चाहेंगे अभी फिलहाल के लिए। वापसी में, वापसी में कंप्लीट सामान लेके आ रहा हूँ, बस आ गया। आराम से जाना, आराम से। मार्केट जाने से पहले अक्षय बॉल निकालने चले गए ग्राउंड से, तो अक्षय इनको बॉल दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेलना। बस एक ही बॉल थी। चलो आ जाओ फिर। ठीक है, साथ पेंट कंप्लीट हो चुका है तो नेहा ये स्टूल भी लेके जाना पड़ेगा यार। अभी आता है, अभी रात होगी ना काफी, नहीं है ना। फिर सुबह हमें जल्दी जाना नहीं हो पाएगा, मैं उठा लूं। वापसी में ले आएंगे, कहाँ जा रहा है यहाँ से? अंदरली साइड रख दो उसको। हाँ ये भी हो सकता है। और यहाँ अच्छा से करती है उन्होंने पेंट, थोड़ा सा और थोड़ा बहुत काम है इसमें। हाँ थोड़ा बहुत, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम रह गया है, वैसे तो है, बस थोड़ा बहुत चेंज करवाने। महीना तो जा ही चुका है तो अभी तो कौन ही आएगा। तो बिल्कुल, तो अभी चलो चले, इसको अंदर रख देता हूँ। रुको, मम्मी को लगता है कि थकान हो गई है, रेस्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो अब हमारा कुछ ऐसा प्लान बना है कि कल का प्लान बन रहा है, सभी लोग जो है फैमिली मेंबर्स, हम लोग लास्टा धार जा रहे हैं रुबीना दीदी से मिलने और ईधा जीवा से मिलने, हमारी भांजियां। तो अभी हम लोगों ने कुछ सोचा है तो अभी आपको नहीं बताएंगे। अच्छा। कल हम लोग पहुंच ही जाएंगे तो आई होप जैसा जैसा सोचा है वैसा वैसा हो जाए, तो फिर देखते हैं कैसा बनता है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, इवन मम्मी पापा भी नहीं मिले हैं ईदा जीवा से, तो सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। शिवम उज्जवल की फैमिली मिली है, बुई मामू मिले हैं, और दिव्यम की फैमिली और हमारी फैमिली खासकर नहीं मिले हैं। शैलजा दीदी भी नहीं मिले, और शैलजा दीदी भी आएंगे हमारे साथ, तो और कौन कौन जुड़ता है वो एक देखने वाली बात होगी। कितने लोग जुड़ते हैं वहाँ पर? हाँ जी, हमने इन्फॉर्म कर दिया, मैं इसको ज्योतिका को बोल रहा था। हाँ। करके कि भाई हम जा रहे हैं तो साथ में चलते हैं। तो बोलो मेरी मैरिज है यहाँ पर, मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, तो फिर कल हम जाएंगे सभी लोग, बिल्कुल इकट्ठे होके जाएंगे। और पहले हमें सुबह हॉस्पिटल जाना है क्योंकि पापा की रिपोर्ट्स लेट आई थी। हाँ। तो इनकी रिपोर्ट्स एक बार दिखा के और फिर हम वहाँ से सीधा डायरेक्ट आगे को निकल जाएंगे। तो अभी मैं और नेहा कर लेते हैं पूजा। हाँ। तो अभी डिनर का क्या प्लान है? डिनर तो इनके पास ही होना पड़े। हाँ, क्योंकि आज खाना बहुत बनाया था, उज्जवल के घर में ही है खाना। तो फिर खाना वही खाएंगे, है ना। तो तुम अभी पूजा कर लो, बिल्कुल कल टाइमली रेस्ट कर लो सुबह उठ के फिर, ताकि टाइम से निकल सके। तंजिम हॉस्पिटल जाएगी। हाँ जी, वहाँ पर अपना चेकअप वगैरह करा के उसके बाद सीधे निकल जाएंगे। ठीक है ना, ताकि टाइमली घर पहुँच। आपको कुछ बोलना है? हेलो, नो, मम्मी तो सो गया है। ठीक है, हम पूजा कर लेते हैं। वाह, आप तो मुझसे पहले ही पहुंच जाते हो पूजा घर में। जब तक आप आ रहे थे तब तक मैंने सोचा मैं जोत चला देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आ जाओ आप भी पूजा कर लेते हैं पहले ना। हाँ ठीक है, मैं भी आ गया। मम्मी क्या थक गए? मम्मी तो सो भी गए, मम्मी ने रेस्ट ले लिया है। यार हो जाता है ना, फिर आज मम्मी ने इतनी चपातियां भी बनाई होगी ना। तो आपने बनाई, मम्मी ने बनाई, चाची ने बनाई, सास और बहू का आज ये कॉम्बिनेशन। मम्मी ने परे बनाई, मैंने यहाँ पे बनाई क्योंकि काफी लोग थे और हमने पूरियां नहीं रखी थी क्योंकि लोग पूरियां अवॉइड करते हैं, तो हमने चपातियां बनाई थी, थक जाते हैं फिर यार, होता ही है। सही बात है, चलो पूजा करते हैं। तो अभी हम लोग चाची के घर आए हैं। चाची कैसा रहा आपका हवन पूजा? बढ़िया, और अच्छा, हाँ। कल के लिए आप तैयार हो गांव के लिए? हाँ, तो जाना पड़ेगा। हाँ, जाना क्या पड़ेगा बेटा, राइट है ये तो हमारा, हम बिल्कुल तो जाना था उधर लुधियाना। बीना ने बोला मैं 2 दिन में आ रही। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वैसे कोई वो नहीं है पापा, छुट्टियां भी नहीं होगी आपके पास, 2 दिन में मैं शिमला आ रही हूँ भाई। हाँ, हम तो जा रहे थे, हम तो बिल्कुल रेडी।
बिल्कुल। और हम भी नहीं मिले तो हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग नीचे लुधियाना चले जाएंगे। बड़ी एक्साइटमेंट है रुबीना के बारे में। बिल्कुल तो बेटा, जब हमारी शादी रुबीना फिफ्थ में पढ़ती थी, एल्बम हमारे पास प्रूफ है। सही बात है। रुबीना तो मेरे चाचा जी के बेटे की शादी थी सोलन में। मेरा इतना बड़ा मन पेट में था, इतना बड़ा पेट, एट्थ मंथ में मैं शादी में घूमना चाहता रुबीना साथ हमारे साथ। सबके लाट ले थे बच्चों सबके साथ। मैंने एक फोटो यहाँ भी देखी जब उधर गए थे दिल्ली दुल्ली। रुबीना दीदी ऐसा भी था ना कि सबसे पहली बच्ची है और सबके साथ उनका अलग से एक प्यार है। जैसे दिव्यम का है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दिव्यम सबसे छोटा है उसका सबके साथ है। बोलते हैं मेरे दिव्यम के पापा के, भाई मैं तो रुबीना को वहाँ था रोल खुद ले जाता था। हाँ, ले जाते था स्कूल जब मैं जाता था एसएसबी में। हाँ, मैं छोड़ता था वो कहते इनको। और जब मैं एसएसबी में होता था तो इनके लिए वहाँ से ताजी ताजी मिठाइयाँ था वहाँ ना लाना। क्योंकि बेटा मेरे ये तो इनके साथ ही रहे पहले बड़ी भाभी के साथ। बड़ी भाभी भी वही बेचारी बड़ा करती थी भाई, इतने देवर देखना रोटियां। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज बताऊँ, भाई जी और मेरा सेम है, मेरे पास भी चार देवर है और उनके। सही बात है। और अभी आप बड़े हो सीनियर, आपके पास चैलेंज है ये बड़ी मम्मी। दिव्या हम वही बोल रहे थे कि भाभी बहुत जल्दी घुल मिल गए हैं अब तो फिर भी ठीक है, पर ताई जी उस टाइम कैसे था वो बड़ा टाइम बड़ा टफ होता था। नहीं ऐसी तो है भाई बड़ी मम्मी। देखो अभी रुबीना के बच्चे भी उन्होंने पाले हैं। हाँ जी। नहीं मेरे बच्चे भी किए हैं भाई, मैं नहीं बोलती झूठ। मेरे बच्चों की एक महीने तक तो आते थे बेचारे यहाँ खुद मालिश करते थे, मैं ऐसे देखती रहती। मेरे को तो पता नहीं था मेरे घर में थे नहीं कोई। बोलने की बात ये है कि हम सब मिलके जाएंगे और हम सब एक्साइटेड है अपने नए भांजियों को देखने के लिए। नहीं देखो ना उनको भी बेटा अच्छा लगेगा, डैडी पापा और बड़ी मम्मी। हाँ जी बिल्कुल। अभी शायद 3-4 घंटे पहले इन लोगों ने खाना खाया, इनको फिर से भूख लग गई। चार घंटे हुए हैं, 4 बजे वही हम क्रिकेट खेल गए ना भाभी तो भूख लगी। और हमने सर्विस भी दी है बस ऐसी सर्विस दी है कि भूल गई। नेहा हाँ जी मैं बोलो किसको पानी चाहिए किराएदार को। चलो मैं जाती हूँ, मैं खोलती हूँ। चलो मैं जाती हूँ। मांग तो हमारी भी दी थी पर कल बोला उन्होंने, कल खोल के आती हूँ आप लोग। चलो मैं जाती हूँ। तो अभी हम लोग डिनर करके वॉक करने आए। तो गाइस आज कौन है दावेदार टेंट में सोने के? टेंट में ही सोना है तो है, बेस्ट है। सही बात है, बेस्ट है, लगे हुए तो है बिल्कुल। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ अपना व्लॉग भी एंड करता हूँ। और ये रहेगा आज हमारा लास्ट नाइट का सेटअप, कल हम लोगों ने निकल जाना है। तो बड़ी चीज पता क्या है, वाइंड अप भी करना है। तो सुबह जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा, उतना पड़ेगा वो है ना। बट वो है कि 10-15 मिनट का काम होता है आपको तो पता है टेंट। वाह पीछे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, लाइटें लाइटें दिखाई दे रही है। बट आप एक चीज ऊपर भी देख रहे हो। हाँ मौसम खराब है, मौसम खराब हो रहा है। ओह शिट, बादल ही बादल। सही बात है भाई, कल के लिए बारिश नहीं होनी चाहिए। कल के लिए तो ठीक है, रात के लिए नहीं होनी चाहिए भाई साहब। हाँ यार हमने टेंट में सोना है, सही बात है। और रात को ना एक और चीज होती है, इस छत से ना पानी टपकता है नीचे, मॉइस्चर आता है ना। मैं सोचू पहले रात को मैं खज्जल हो गया, मैं कहा अगर बारिश आ गई मैं कहा शिवा मुझे लोगों उठाऊंगा कैसे, कि भाई उठो और टेंट उठाओ। कैसे उठाओ और इतने गद्दे इसके अंदर सामान है, रजाई है, सामान भारी है, नहीं उठेगा तो बच ही जाएगा मुझे। हाँ तो चलो गाइस, तो इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।